परेशानियाँ बाहर नहीं होती, परेशानियाँ अपने अंदर ही रहती हैं जो परेशान करती है। हमें लगता है बाहर वो परेशान कर रहा है, अपने पितृ बहुत हैं परेशान करने के लिए, दूसरों का दोष नहीं है। अभी सब वो गंदगी गई, ठीक है ना। अब जिनसे आपको चिड़ नफरत होती थी, अब आप आँख बंद करके ऐसे ही चेक करिए गांव वालों से, अब कोई परिवार वालों से, कोई अगल बगल वालों से कोई चिड़ नफरत घृणा है? खुश है गुरुदेव, नमस्कार। खूब खुश है। मैं सचिन थाने महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे साथ डीएनए में 7 लोग हैं जुड़े हुए, मेरी माँ, भाई और मैं। हम लोग यहाँ पे, मेरी बीबी, मेरा लड़का, भाई की बीबी और भाई की लड़की, वो घर पे है चारों जन। खुश। देखिए सब आपके भाई के जो पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्यों के सारे कष्ट जो थे वो सब नष्ट हुए, और स्मृतियाँ भी जो थी उसकी, रोगों की जड़, ये सब नष्ट हुई। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, कंधों में भारीपन रहता था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, सूजन था, मूत्र त्याग करने में धातु जाना, मस्तिष्क में घाव बन रहे थे, सूजन था, भोजन नली में घाव बन रहा था, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन था, रक्त दूषित था, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था, नकारात्मक विचारों की स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, गॉल ब्लैडर में सूजन था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, पैनक्रियास में, कोलोन में, लंग्स में और रेक्टम में, किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, पेशाब में लालिमा आती थी, रक्त जैसा आता था, और यूरेटर नली धीरे धीरे बंद हो रही थी सूजन के कारण। किडनी फेलियर की स्मृतियाँ थी। आप लोग ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, खुश। गुरुदेव, एक थोड़ा सा प्रयास है मेरा, फिलहाल मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी थोड़ा टेंशन है, तो थोड़ा साइड में मैंने एक छोटी, हमारे गांव में एक ज़मीन ली है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन आजू बाजू वाले थोड़ा हम लोग को परेशान कर रहे हैं। परेशानियाँ बाहर नहीं होती, परेशानियाँ अपने अंदर ही रहती जो परेशान करती। हमें लगता है बाहर वो परेशान कर रहा है, अपने पितृ बहुत हैं परेशान करने के लिए, दूसरों का दोष नहीं है। अभी सब वो गंदगी गई, ठीक है ना। अब जिनसे आपको चिड़ नफरत होती थी, अब आप आँख बंद करके ऐसे ही चेक करिए गांव वालों से, अब कोई परिवार वालों से, कोई अगल बगल वालों से कोई चिड़ नफरत घृणा है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्मृतियां गंदी थी आप में, वही लड़ाती थी, वो सब गई, खुश रही। और एक बात, मैं खुद को ना अनकॉन्शियस फील कर रहा हूँ, करता हूँ बहुत बार। मुझे लगता है वर्तमान में आपको सोचना चाहिए आज, क्योंकि जितनी टट्टी आप लपेटे हुए थे गंदगी, वो तो नष्ट हो गई। अब बताइए कोई कष्ट हो तो, अभी तो नहीं। तो फिर धन्यवाद करिए बाबा को, कुछ नहीं है तो। पुरानी बातें भूतकाल में क्यों भूत बन रहे हैं जाके, खुश रही। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, खुश है, खुश है। आप कोई कष्ट तो नहीं? मस्त रहिए, लेपन जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और इनको, माता जी को, इनको लेपन जरूर कराइएगा ध्यान से, ठीक है। इनको लेपन जरूर कराइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पागलपन का शिकार रही है ये, बहुत ज्यादा भयानक। कुछ बीमारी है तो नहीं? आज गंदगी से पहली बार बाहर निकली है, पहली बार, खुश रहिए। महावन करिएगा तो आप इनको भी रखिएगा, आप तीनों लोग रहिएगा उसमें कल, ठीक है। खुश रहिए, खुश। अब कोई कष्ट नहीं, उठ बैठ के चेक कर लीजिए, बैठिए उठिए, अपने को चेक करिए सब लोग, अब सब बच्चों जैसे बन गए, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी,
मैं तो बहुत 4 साल से आपका रास्ता देखती है, मैं कभी मेरे को बाबा से मिल बाबा मेरे को बहुत तकलीफ है बाबा, तकलीफ मेरा दूर करो, थाना भी आए थे, मैं आई थी, मेरे को मिले मिले लेकिन बोलने का भी ये नहीं था। फिर मेरा ये 2 लड़का है, शराब पीता है, लड़का के पास भी देखो सब दिया है गुरु जी मेरे को, बहुत प्रॉपर्टी है, क्या करूं उसका, चलता नहीं। ये पागल की स्मृतियां नष्ट की जाए, आंखें बंद करिए, पागलों की स्मृतियां इनकी सब नष्ट कर दी जाए, और दूसरों कष्ट जो इनमें आ रहे हैं वो सब नष्ट किए जाए, प्रहार सब वापस भेज दिया, कष्ट 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंख खोलिए, अपना बंधन खींचिए, 3 बार बंधन खींचिए, एकदम अच्छे हैं आप, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं है, प्रक्रिया के बाद कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, वर्तमान में रहने से सुख होता है। और मेरा मर्द है ना कैंसर से चला गया है बाबा जी, उनको मुक्ति देना, और मेरी नाती चली गई है उसको आप भी फिर भूतकाल में घुस रही हैं, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद आप भोजन करने के बाद कह रही हैं आप खाना क्या बना बताइए, आप भोजन करके खाने के बाद ऐसा कोई पूछता है क्या खाना बनाया जरा बताइए, तो आप बेहोशी में तो सब हो गया, बेहोशी से आजाद बाहर निकले, पहली बार हमेशा बेहोशी में रहते थे, हमेशा पेशी जैसा हिलना डुलना चिलना चिल्लाना यही सब करते थे, सब नष्ट हो गया, वो स्मृतियाँ थी सारी खत्म हो गई, अब आप अच्छे हो, जिनको मुक्ति मिलनी थी गए, अपने पति को आप आँख बंद करके चेहरा भी नहीं देख सकती अब आप, क्योंकि मुक्ति हो गया, करिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नहीं दिखेगा भी नहीं क्योंकि मुक्ति हो गई, यही प्रमाण है दरबार से, खुश रहिए, कल महामन करिए दरबार की ओर से जो निशुल्क है 1 दिवसीय, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो, खूब खुश है।